इस दुबे के साथ उसका फ्रेंडशिप है, अफेयर है, हो सकता है इलीगल संबंध भी इनका हो या फिजिकल रिलेशन भी इनका बना संबंध नहीं है, तो फिर रिश्वतखोरी की बात है। आप जो रिश्वत लेने के लिए डायरी पेश कर रहे हैं, किससे कितना लिया गया है, लाल हरा पेन से लिख के शो कर रहे हैं, आपको उसको प्रूफ करना होगा। तो वो तलाक के लिए फाइल कर चुकी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी अप्लाई कर चुकी है, 498A भी कर चुकी है वो, तो कई तरह के केसेस भी वो आलोक मौर्या को फंसा चुकी है। हम अगर बोल दी कि हम प्रधानमंत्री हैं, शादी कर लें। दोस्तों नमस्कार, अभी जो खबर चल रही है यूपी प्रयागराज से, जो कि SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का, जो कि सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड कर रहा है लगभग कई दिनों से, और आपको बता दें कि ये खबर को जिस तरीके से सैटेलाइट्स चैनल तूल दिया है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि खबरें तो हजारों ऐसे होते हैं, लेकिन आखिर SDM यदि महिला और उनके पति के साथ इस तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो आखिर इसको तुल क्यों दी जा रही है, आखिर इतना ज़्यादा इस पर में फोकस क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारे साथ विशेष बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं SK मिश्रा सर। विशेष रूप से वही बताएंगे आपको कि ऐसे मामले जो होते हैं इस पर में लॉ क्या कहता है, कानून के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आप क्या कहेंगे, सुनिएगा एकदम ध्यान से। सर क्या कहेंगे इस तरह के मामले को? देखिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का एपिसोड हमने देखा, कई दिनों से बड़ा वायरल हो रहा है। ये पूर्णतः एक पारिवारिक विवाद है, और इस पारिवारिक विवाद को रोड पे लाके मीडिया ट्रायल करके बिल्कुल इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है जैसे वो परिवार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से वो जिएंगे बाद में, अभी तो उनको पता नहीं चल रहा है, अभी तो दुश्मनी निकाल रहे हैं दूसरे से, लेकिन आने वाले दिनों में जब उनके बच्चे बड़े होंगे और ये एपिसोड देखेंगे, सोचिए क्या असर पड़ेगा। प्लस आज के समाज पर जो असर पड़ रहा है ज्योति मौर्य के बयान का या आलोक मौर्य के बयान का, ये भी अपने आप में गलत है। और ये मनी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये पति पत्नी के बीच का एक डिस्प्यूट है, और ये शुरू से ही चला आ रहा है इन लोग का। 2010 में जब इनकी शादी हुई थी, जैसे ज्योति मौर्या बता रही कि हमसे ये कह दिया था कि हम ऑफिसर हैं स्वास्थ्य विभाग में, शादी कर लिया था झूठ बोल के। सोचने की बात यही कि अगर आलोक मौर्य ये झूठ बोले, जैसे हम अगर बोल दी कि हम प्रधानमंत्री हैं शादी कर लें, तो वो तलाक के लिए फाइल कर चुकी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी अप्लाई कर चुकी है, 498A भी कर चुकी है वो, तो कई तरह के केसेस भी वो आलोक मौर्य को फंसा चुकी है। और आलोक मौर्य सरकारी कर्मचारी हैं, तो अगर इन चीज़ों में अगर ट्रायल होता है और साक्षी के खिलाफ मिल जाता है, तो इनकी नौकरी चली जाएगी फिर वो, और ये जेल भी चले जाएंगे। अलबत्ता अगर आलोक मौर्य ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ज्योति मौर्य जो है वो हमको ब्लैकमेल कर रही है, तो ज्योति मौर्य पर एक्शन होगा फिर। तो ये सब चीज़ न्यायालय का मैटर था, इसको मीडिया में नहीं लाना चाहिए था, ये देखते हुए कि आगे उनका वंश, उनके बच्चे जो हैं दोनों, उन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये माँ बाप अपने ईगो के चक्कर में बच्चों का भविष्य भूल गए, और ये बहुत बड़ा गलत स्टेप ने उठाया है बच्चों के लिए खासकर। आपस में लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, और मीडिया के तमाम जो है लगातार ट्रायल में इस बातों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका असर किसके ऊपर में जाएगा? देखिए, ये असर तो पूरे समाज में जा रहा है, पूरी समाज में ये लोग आज कोई अच्छा नाम तो नहीं ले रहा है। कुछ लोग आलोक मौर्य को गाली दे रहे हैं, कुछ ज्योति मौर्य गाली दे रहे हैं, वो तो समाज में भी बेइज्जती उनकी ही हो रही है। सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है कि आखिर एक सफाई कर्मी जो साथ में था पति, उसके दो बच्चे भी हैं, आखिर SDM बनने के बाद इतना मतलब कि क्या घमंड कि भैया मतलब कुछ ये मीडिया में जो लोग कमेंट दे रहे हैं वो मीडिया में आए हुए बयानों के आधार पर दे रहे हैं, ये बयान ज्योति मौर्य का नहीं है। क्योंकि जो लोग रियलिटी को नहीं जान रहे कि इनके बीच में क्या चल रहा है, क्या पनप रहा है, तो बयान दे देते हैं वो, लेकिन सच्चाई सामने आती है। रियलिटी के बारे में थोड़ा सा क्लियर करो। नहीं, रियलिटी यही है, मनीष दुबे के साथ उसका फ्रेंडशिप है, अफेयर है, हो सकता है इलीगल संबंध भी इनका हो या फिजिकल रिलेशन भी इनका बना, तो ये सुनने वाला समझने वाला या तो मानसिक विकलांग होगा या कहीं से कुछ परसेंटेज जरूर से गड़बड़ होगा, जो समझे कि हम भाई प्रधानमंत्री हैं, शादी कर लिए हम। अगर वो कह रहा है कि हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो वो भी तो पढ़ी लिखी है, दोनों साथ में PCS की तैयारी कर रहे हैं, एक साथ एग्जाम पास करने के वो सोच रहे हैं। तो अगर वही एक आदमी ये कह रहा है कि हम भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो आपने जान कैसे लिया इसको, अपने शादी करने के पहले आने पता क्यों नहीं किया इसको? तो जानकारी तो ले लेनी चाहिए सर शादी करने से पहले। भाई वही कह रहा हूँ कि भाई इन लोगों को तो जानना चाहिए था ना, लड़की वालों को, कि भाई वो लड़का जो है वो किस ओहदे पर है, ऑफिसर है, क्लर्क है, चपरासी, ये क्या है वो, ऐसा ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं, और ये गलत बयान दे रही है ज्योति मौर्या। बखूबी उनको मालूम था कि ये LDC है, लॉर्ड डिविजन क्लर्क है, छोटे पोस्ट पे काम करता है स्वास्थ्य विभाग में, और ये बिल्कुल इनको लगा ही नहीं था कि ये कुछ कर पाएंगे। उस जमाने में ये अनएम्प्लॉयड थी, ये शिक्षिका की नौकरी इनको हो गई थी इलाहाबाद में, लेकिन ये ज्वाइन नहीं कर पाई थी चूंकि इनको पढ़ने। अब जो अगर सोचिए, लेकिन सर इस मामले में ये देख रहे हैं कि पहले ज्योति मौर्य विक्टिम कार्ड खेली शादी की प्रोसेस में, शादी हो गए, दो बच्चे हो गए, जोरा बच्चे की बात अब जैसे कि जानकारी आई है, लेकिन अब इसके बाद SDM बनने के बाद ये जो गेम कार्ड खेली है, तो क्या मायने हैं इसके?
देखिए अब तो पलरा उसका भारी है ज्योति मौर्या का, ज्योति मौर्या न्यायालय में डिवोर्स केस कर चुकी है, वो तलाक चाहती है और तलाक भी म्यूचुअल कॉन्सेंट पे नहीं है, क्रुएलिटी पर है, ठीक है, हम उसमें कोई नकार कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। लेकिन ये आरोप आलोक मौर्य का है कि मनीष दुबे का जो नाम है वो एजीएम के नाम से वो सेव की हुई थी, मनीष मिश्रा के नाम से, एसीएम के नाम सेव किया है, मनीष मिश्रा के नाम पे सेव किया है वो, और एसीएम का नाम चैट करती थी वो, और उस चैट को उसने लीक कर दिया। ये उनका अपना एक आरोप है ज्योति मौर्य का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये पति पत्नी के बीच मोबाइल का जो चल रहा है कि आपने हमारा लीक कर दिया, हमने आपका लीक कर दिया, तो ये लड़ाई उन दोनों की है, लेकिन मजा पूरा भारतवर्ष ले रहा है इनसे। और पूरे भारत में अब चल रहा है, कई तो गाना निकल गया, बहुत सारे भोजपुरी में गाना निकल गया भाई कि अब अपनी पत्नी को हम नहीं पढ़ाएंगे या एसडीएम नहीं बनाएंगे, खूब गाना चल रहा है आजकल। तो ये मजाक किसका बन रहा है, तो मजाक इसका इम्पैक्ट तो समाज में जा रहा है, बढ़ावा और मिल रहा है ऐसे लोग अब? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, समाज में लोग अनपढ़ जाहिल नहीं है, जो लोग आपकी मीडिया को देख रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं और समझदार लोग हैं, बहुत कम ही 5% लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। और सबों को ये चाहिए कि हमारा वंश जो है, हमारा घर आगे बढ़े, हम भी कमाएं, मेरी पत्नी भी कमाए, और हम दोनों मिलके पूरे घर को लेकर चलिए। सोच रखने वाले बहुत लोग ऐसा हैं और बहुत लोग अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं और आगे पढ़ाएंगे वो। एक आलोक मौर्य के और एक एसडीएम कोई ऐसा माइलस्टोन थोड़ी बन गया है कि एक एसडीएम गलती कर दी तो हर महिला गलती करेगी, वो ऐसा नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ये हम लोग अपने आप में सोचे समझे और विवेक से काम लें। लेकिन सर ये होमगार्ड जो कमांडेंट हैं, जो बात करें मनीष दुबे, वो यदि उनके साथ जो भी चीज़ें हैं हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, बट उनके ऊपर में क्या होगा यदि कानून की बात करें, जब कोर्ट की बात करें? अगर आलोक मौर्य कोई इस तरह का पुख्ता साक्ष्य न्यायालय में पेश करते हैं मनीष दुबे के साथ, तो मनीष दुबे पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे न्याय प्रणाली में जब तक महिला को आपत्ति नहीं हो, पुरुष पे कोई असर नहीं होता है, और ज्योति मौर्य कोई आपत्ति इन चीज़ों से नहीं है, तो आलोक चिल्लाने से क्या होगा, विक्टिम तो ज्योति मौर्य है। अगर मनीष दुबे कोई इस तरह का चीज़ अगर यौन शोषण किए या फिजिकल रिलेशन बनाए या असॉल्ट किए, तो ये जिसके साथ हुआ इन्फॉर्मेंट उसे बनना है, सूचक उसे बनना है, वो तैयार नहीं है, वो तो कह रही कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब जिनके साथ हुआ वो कह रही कुछ नहीं हुआ, तीसरे आदमी का ऐसे प्रॉब्लम होने वाला है। सर कानून क्या कहता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि किसी के साथ होता है तो ये पनिशेबल है शादी के बाद? क्या बस सत्य पब्लिक प्लेस पर ना हो, न्यूडिटी ना हो, वल्गरिटी ना हो और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो। अगर होता है, मैरिड आप हैं, तो 494 के तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है। यदि एग्री हैं दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट मैरिटल अफेयर तो आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है, आप डेटिंग में देखिए विदेशों में जाकर लोग आराम से ऐश कर रहे हैं, कोई दिक्कत